हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पॉली हाउस, नेट हाउस लगाने वाले लोग जो सीडलेस कुकुम्बर या फिर कलर्ड कैप्सिकम लगाते हैं, वो आमतौर पर इसकी सीडलिंग साइटेक नर्सरीज में तैयार करवाते हैं। पर अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है और तरबूज और खरबूजा की जो सीडलिंग्स है या पौधे, वो भी अभी हाईटेक नर्सरीज में तैयार होती हैं। तो मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ, ये तरबूज यानी वाटरमेलन की मैक्स वेराइटी है। तो आप हाईटेक नर्सरी में क्यों अपनी सीडलिंग्स बनवाएं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसा कि दोस्तों, ये पौधा आप देखेंगे तो इसका स्टेम काफ़ी मोटा और मज़बूत दिखाई दे रहा है, और अगर हम इसका रूट जोन देखें तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं, और काफ़ी हेल्दी प्लांट ये हमें देखने को मिल रहा है। ये पौधा दोस्तों अगर फील्ड में जाएगा तो वहाँ पर ट्रांसप्लांट करने पर, जो ठंड का ये मौसम है दिसंबर और जनवरी का, इसमें इसके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टेम ऑलरेडी काफ़ी मज़बूत है और रूट जोन भी काफ़ी अच्छे से इसका डेवलप किया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक गुच्छा बना हुआ है रूट जोन का, और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। स्टेम आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसका मज़बूत है। दोस्तों, ये मैक्स वेराइटी है ननहेम्स वालों की। ये यहाँ पर इसका पैकेट है, आप देख सकते हैं कि ये ननहेम्स वालों का जो मैक्स वेराइटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है दिसंबर और जनवरी के लिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ये जनरली लोग इसे लो टनल के सहारे अपने फील्ड में लगाते हैं, और फिर इससे अर्ली और अच्छा प्रोडक्शन उन्हें मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी सीडलिंग्स हाईटेक नर्सरी में तैयार करानी है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट के सेंटर से अपनी नर्सरी तैयार करा सकते हैं, और अर्ली क्रॉप या फिर अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपकी सीडलिंग अच्छी होगी तो दोस्तों आपका प्रोडक्शन या फिर आपकी आगे की क्रॉप भी अच्छी चलने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक और अपडेट के साथ, एक और क्रॉप की सीडलिंग के साथ। तब तक आप सेफ रहिए और अपने फैमिली के साथ सुरक्षित रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। धन्यवाद।